दीदी आप लोग किस लिए आए हैं? वैक्सीन लगाने के लिए। आप लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं? हाँ। अच्छा कोई दिक्कत हो रहा? दिक्कत तो अभी लेडीज को नहीं दे रहा है, खाली जेंट्स का खाली दे रहा है, लेडीज को टोकन ही नहीं दे रहा है। आज तो काफी लंबा लाइन देखने को मिल रहा है लेडीज का। लंबा लाइन देखने को मिल रहा है, लेडीज का भी है जेंट्स का भी है। क्या नाम है आपका? सुनीता प्रधान। कब से आई है यहाँ पे? हम तो 9:30 बजे पहुँचे थे, 10 बजे का टाइम दिया था। अच्छा मैडम आप लोग किस लिए यहाँ पे खड़ी हैं? बोलिए बोलिए। इसलिए आए हैं, अभी आके ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं मिलेगा। क्या सूचना मिल रहा है? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा बताइए? एक ना एक पति ले लिए है इसीलिए इनको नहीं मिलेगा, हस्बैंड को मिल गया है इसलिए आपको नहीं मिलेगा। आप लोग रजिस्टर किए थे? फोन आया है। फोन आया है। अच्छा आप लोग क्या डॉक्यूमेंट जमा दिए थे? ट्रेड लाइसेंस किसके नाम पे है? मेरा नाम। आपके नाम पे? मेरा नाम मेरी नाम के नाम पे। अच्छा अच्छा मैडम आपका? मेरे नाम पे है लाइसेंस जमा है सारा पेपर। ये लोग कॉल किए इसलिए तो आए हैं, अभी बोल रहे हैं कि नहीं मिलेगा। 5-6 घंटा से लाइन मिल गया तो नहीं मिलेगा। मैडम आप सबका यही समस्या है, आप लोग ट्रेड लाइसेंस के कॉपी दिए हैं? कॉपी दिए तभी कल कॉल आया, लेकिन आया कि 10 बजे से आके 4 बजे लगा रहे हैं। उसको लगा रहे हैं, जिसका मन नहीं हो रहा उसको नहीं लगा रहे हैं, अपना मन मर्जी हो रहा है। हमसे पहले से दिया है, अभी मेरा आगे भी हो रहा है। क्या नाम है आपका? कुमारी नाम का जी। अनामिका कुमारी। मैडम आपका? रीना ठाकुर जी। रीना ठाकुर नमस्कार सर। सर आज का वैक्सीनेशन का कार्यक्रम किस प्रकार से आप लोग कर रहे हैं? पहले जैसे हम लोग ने प्लान किया था, एक दिन आगे हम लोग फोन कर रहे हैं, आज हमको 350 वैक्सीन मिला है। इसी तरह हमने कल 350 को हमने फोन करके सब 350 को हमने बुलाया है। सर देखने में आ रहा है कुछ सफाई कर्मी है जो यहाँ पे आ रहे हैं, उनका कहना है कि उनके पास ना ट्रेड लाइसेंस है ना डॉक्यूमेंट्स है कि यहाँ पे प्रमाण कर सके। सफाई कर्मी है इस लिहाज से फ्रंटलाइन वर्कर्स में ही उनको गिना जाना चाहिए, तो उनको किस तरह से वैक्सीनेशन किया जा सकता है? जितने भी हमारे ऑफिशियली भी है, जो अभी डेंगू का सर्वे चल रहा है, डेंगू का हाउस टू सर्वे चल रहा है, और उसमें VCT भी वेक्टर कंट्रोल टीम वो भी है, उसमें 720 है, और जो सफाई कर्मी है उसको सब जोड़ के मेरे जिला प्रशासन से मेरा बात हुआ है, उसको फ्रंटलाइन वॉरियर बोल के उन लोगों को हम दिखा देंगे। एक ही बार में नहीं होगा, बाद बाद में 50-100 करके उन लोगों को हम दिखाएंगे। सर जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है प्रूफ करने के लिए, उनको उसके लिए डॉक्यूमेंट्स का दरकार नहीं, फिजिकली वो काम क्या करता है, जैसे उन लोगों को जैसे कि आपने बोला है कि नहीं आपने बोला है, उसी तरह हम उन लोगों को फ्रंटलाइन वॉरियर के तरफ उन लोगों को डालें कुछ वेरिफिकेशन आपके तरफ से। सर आज सुबह में जैसा कि देखा जा रहा है काफी संख्या में महिलाओं को आज वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। सर कुछ महिलाओं का कहना है कि वो लोग बिजनेस कम्युनिटी से हैं, उनके पास ट्रेड लाइसेंस है, रजिस्टर किए थे और उनको पास कॉल भी आया था, लेकिन यहाँ आने के बाद उनका वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, क्या इसमें क्या तथ्य है? एक्चुअली ऐसा हो रहा है कि हमको जब देखने में ये पता चल रहा है, थोड़ा मेरे को इन्फॉर्मेशन भी मिल रहा है, एक ही घर में जैसे कि बिजनेस करता है 10 फैमिली है तो 10 का ट्रेड लाइसेंस है, इसलिए यदि सबको हम अलाउ करेंगे तो उस फैमिली का तो पूरा कम्प्लीट हो जाएगा, लेकिन जिसका नीडी है जिसका दरकार है वो नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैंने उन लोगों को बोल दिया है मैं इंक्वायरी करूंगा। हाँ उस दुकान में कौन बैठती है, यदि उसका वाइफ बैठती है वो दुकान चलाते हमसे आपत्ति नहीं, उनका कोटा जो है वो हम दे देंगे, लेकिन वो लोग मानता नहीं है। ये तो नहीं वो घर में बैठे और ट्रेड लाइसेंस लेके घर में बैठे उन लोगों को वैक्सीन देने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये है हमारा ऑफिशियल जाएगा और जाने के बाद में यदि वो दुकान पुरुष दुकान में चलते लोकल इंक्वायरी करेंगे, हाँ वो दुकान निश्चय चला रहे कोई असुविधा नहीं, उनको फिर आकर हम 4 बजे उनको वैक्सीन दे देंगे। सर ऐसे भी सुनने में आ रहा है कि वैक्सीनेशन के लिए खासकर लोग
ग्राम पंचायतों में जाके ट्रेड लाइसेंस बना रहे हैं, ऐसा सूचनाएं मिल रही हैं, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए तो जो गवर्नमेंट ने जो क्राइटेरिया दिया है, इसके लिए गवर्नमेंट का जितना भी पीआरआई बड़ी उन लोगों को भी लेकिन समझ लेना चाहिए। यदि ऐसा फॉल्स काम करेंगे तो बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगा, उन लोगों को ही मुश्किल हो जाएगा। मैं अनुरोध करता हूँ पंचायत लोगों को, मैं अनुरोध प्रधान लोगों को अनुरोध करता हूँ कि जब तक प्रॉपर वेरिफिकेशन ना हो उसको, उसके लिए कोई ट्रेड लाइसेंस ना दे। सर इसके लिए प्रॉपर वेरिफिकेशन करना चाहिए, वेरिफिकेशन करके ही भेज दे। और सर लास्ट आप कुछ अपील क्या रखना चाहेंगे वैक्सीनेशन? मैं अपील यही रखना चाहता हूँ प्रत्येक जगह वासी को, आप निश्चिंत रहिए, आप लोग के पास जितना भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुआ है एक दिन आगे हम लोग फोन करेंगे, एक दिन फोन करने के बाद में जिसका टर्न प्रायोरिटी वाइज हमने लिस्ट बनाया है उसी तरह आ जाएगा, कोई चिंता करने का बात ही नहीं। यदि फॉल्स कर दिया, कोई आदमी फॉल्स करके ढूंढ गया, यदि बाद में पता चल गया उसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में रिपोर्ट हो जाएगा, ब्लैक लिस्टेड होने के बाद में सेकेंड डोज उन लोगों को नहीं मिलेगा। सर कुछ लोगों का कहना है सर कि मैसेजेस नहीं आ रहे हैं, किसी लोगों का नाम गलत आ रहा है, तो इसको संशोधन किस तरह से किया जाए? एक्चुअली उन लोगों ने जिस यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एक फॉर्मेट है उसमें जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसी तरह अपलोड हुआ है, यदि वही लोग यदि फोन नंबर उल्टा दिया है तो हम लोगों को उसमें तो दोष नहीं देना चाहिए। सर किसी के पास मैसेजेस नहीं जा रहा है, तो उनका सेकेंड डोज में क्या रेक्टिफिकेशन का कोई चांसेस है? नहीं, एक्चुअली ऐसा भी है कि जैसे कि अभी 350 है ना, 350 में 50 आदमी का रेक्टिफिकेशन उन लोगों को इन्फॉर्म नहीं हुआ, एसएमएस भी नहीं गया। हम सेकंड लिस्ट जो नेक्स्ट डे का लिस्ट है, जैसे कि थर्सडे का लिस्ट, हम वहाँ से 40 निकाल रहे हैं, 40 निकाल के बुला रहे हैं, यदि उसका नंबर उस लिस्ट में है तो नेक्स्ट डे में उसको एडजस्ट कर लेंगे। कोई मैंने डर भय करने का कोई दरकार नहीं, सभी को प्रायोरिटी लाइन में सभी को मिलेगा वैक्सीन। थैंक यू सर। SHMD school books and stationeries shall be available at Asian Book Distributors at special discount. Visit Asian Book Distributors, ground floor, below Seema Steel, near Reliance Smart Grocery Store, Durga Ridya Mall, NS Road, Jaigaon. Contact, +91 9775281398, +97577456946.